गिरिडीह के गामा में भाजपा ने हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ रैली की। इस दौरान एक बार फिर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जब चोरी किया है तो सजा भुगतनी ही होगी। एक तरफ साहिबगंज में 1000 करोड़ का खनिज घोटाला हेमंत सरकार खुद कर देती है और दूसरी तरफ जंगल में रहने वालों की रोजी रोटी का सहारा ढिबरा कारोबार को अवैध कहकर बंद कर दिया जाता है, तो ईडी अपनी जगह सही कार्रवाई कर रही है। चोरी जब हेमंत सरकार और उनके मंत्रिमंडल के साथ अधिकार ने किया है तो चोरी करने वाले ही जेल जाएंगे, लेकिन ढिबरा का कारोबार कोडरमा और गिरिडीह के गांवा तीसरी के लोगों के लिए जीवन यापन का सहारा है। किसी सूरत में इसे बंद नहीं होने दिया जाएगा। अब भाजपा ढिबरा के समर्थन में आंदोलन करेगी और इसकी तैयारी भाजपा ने कर रखी है। आप देखिए, इस क्षेत्र के लोगों के जीविकोपार्जन का साधन क्या था, वो ढिबरा था। और ढिबरा ये ठीक है, कोई जंगलों में भी है, कोई जंगल से बाहर भी है। हम तो कहते हैं कि जंगल में कोई चुनता है, तोड़ता है तो पकड़िए, लेकिन आप बाहर में क्यों पकड़ते हैं? लेकिन वो छोटे मोटे चुन करके लोग लाते हैं, उसको भी फॉरेस्ट वालों ने जाकर के रास्ते में पकड़ लेते हैं, केस कर देते हैं और कहते हैं हम गरीबों को नहीं पकड़ते। लेकिन गरीब आखिर क्या करेगा ढिबरा को? यहाँ तो कोई कोट कोट करके तो खा नहीं सकता है, कहीं ना कहीं बेचेंगे। और चूंकि ढिबरा के बाजार इस देश में नहीं बल्कि दुनिया बाहर लोग सप्लाई करते हैं, यहाँ से चीन जाता है, यहाँ से जापान जाता है, यानी यहाँ से विदेश को जाता है। वहीं पूर्व सांसद रविंद्र राय ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि साहिबगंज तो हेमंत सरकार के लूट की एक बानगी है। जमीनों और खनिजों को लूटने वाली सरकार ने अब अपने लूट में कांग्रेस और झामुमो के विधायकों और अधिकारियों को भी शामिल कर लिया है। भाजपा हेमंत सरकार को हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। रैली में भाजपा नेता सह प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू, भाजपा नेत्री उषा कुमारी समेत काफी संख्या में भाजपा समर्थक जुटे थे। न्यूज विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।